32,000 मोती, 12,000 क्रिस्टल्स, प्रियंका चोपड़ा के रिकॉर्ड तोड़ वेडिंग गाउन से हुई थी उन्हीं को दिक्कत। प्रियंका चोपड़ा का इंटरेस्टिंग खुलासा, अपने शादी के जोड़े की वजह से उनको गर्दन में हो गया था क्रैम्प, आज भी नहीं हो पाया दर्द कम। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी वाले दिन से जुड़ी एक इंसिडेंट का जिक्र किया है। प्रियंका और निक जोनस को इस रॉयल शादी में उनके ड्रेस के कारण प्रॉब्लम हो गई थी। ये किस्सा तब का है जब उनकी क्रिश्चियन वेडिंग हो रही थी। प्रियंका ने स्टार डिजाइनर राल्फ लॉरेन का वेडिंग गाउन पहना था, जिसकी 75 फीट लंबी वेल से उनकी गर्दन में क्रैम्प हो गया था। ऑस्ट्रेलियाई रेडियो शो द काइली एंड जैकी शो में दिए इंटरव्यू में प्रियंका ने इस बात का जिक्र किया है। दरअसल प्रियंका सबसे लंबी वेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती थी। प्रियंका ने इंटरव्यू में कहा, मेरा वेल 75 फीट लंबा था और बहुत हैवी था, उसे मेरे बालों से जोड़ा गया था जिससे मेरी गर्दन का बुरा हाल हो गया था। उस ड्रेस के कारण आज भी मेरी गर्दन में क्रैम्प है। आपको बता दे, प्रियंका ने निक जोनस से 2 दिसंबर 2018 को जोधपुर में क्रिश्चियन और हिंदू रीति रिवाजों से शादी की थी। नो डाउट प्रियंका के व्हाइट वेडिंग गाउन ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा आज तक होती है। उन्होंने जो व्हाइट क्रिस्टल्स गाउन को पहना था, उससे डिजाइनर राल्फ लॉरेन ने रिपोर्टेडली पूरे 1826 आर्स में तैयार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके इस गाउन में निक जोनस के नाम से लेकर 7 और नाम काढ़े गए थे, जिसमें उनकी शादी की डेट से लेकर उनके माता पिता के नाम, फैमिली, होप और कंपैशन जैसे शब्द भी लिखे थे। इतना ही नहीं, प्रियंका ने अपनी ड्रेस पर इन 8 शब्दों के अलावा ओम नमः शिवाय भी लिखवाया है। वेल, इतने सालों से प्रियंका अपने ड्रेसिंग सेंस से सभी का दिल जीतती आई है, लेकिन उनके वेडिंग ड्रेस के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। आपके क्या रिएक्शंस है इस पर, पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।